अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाक जॉब एंड नॉलेज हब में आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो जॉब ऐड है वो पाकिस्तान रेलवे में जॉब के हवाले से है। तो पाकिस्तान रेलवे जॉब में जो जॉब्स अनाउंसमेंट हुई हैं मैं आपको बताता हूँ आज की इस वीडियो में वो कौन कौन सी अनाउंसमेंट की गई हैं और उसमें कौन लोग अप्लाई कर सकता है, अप्लाई का क्या तरीक़ाकार है, क्या क्राइटेरिया है। तो ये जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करें ताकि आप लोगों को इसकी जॉब की डिटेल पता चल सके। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। तो नाज़रीन, ये हैं पाकिस्तान रेलवे की अनाउंसमेंट जो आज की गई हैं। इसमें जो पोस्ट है पहले नंबर पे स्टेनोग्राफर की है, जिसमें ग्रेजुएशन के एजुकेशन क्वालिटी मांगी गई है, 7 स्पीड मांगी गई है, 120 और 80 यानी कि आपकी टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए और साथ आपके पास स्टेनोग्राफर शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए। तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एज की जो है वो 64 साल तक के कम तक लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो पोस्ट है वो फोरमैन ग्रेड की है, जिसके लिए मैट्रिक और 3 साल का डिप्लोमा DAE रेलवे रिलेटेड डीजल इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव एंड डील प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़, ये इसके लिए रिक्वायरमेंट है। ये दो पोस्टें हैं, ये 64 साल से कम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये 16 ग्रेड की पोस्ट है। तीसरे नंबर पर है SR कंप्यूटर ऑपरेटर, ये इसके लिए जो एजुकेशन है वो इंटरमीडिएट मांगी गई है, साथ इसके MS एक्सेल पावर पॉइंट का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। दो पोस्टें हैं और 35 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चौथे नंबर पर हेड क्लर्क की पोस्ट है, ये 11वें और 14वें स्केल की पोस्ट है, जिसके लिए लोग आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन प्रमोशन पोस्ट एंड विल बी फील्ड इन थ्रू रिटायर्ड पर्सन प्रेफर्ड हेड क्लर्क हैविंग 2 ईयर प्लस एक्सपीरियंस ऑफिस एस्टेब्लिश्ड ग्रेजुएट प्रोजेक्ट रेलवे रिटायर्ड पर्सन विल बी प्रेफर्ड, यानी कि जो लोग रेलवे रिटायर हुए हैं उन लोगों को इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। ये एक पोस्ट है, 64 साल से कम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हेड क्लर्क में 64 साल से ही कम लोग अप्लाई कर सकते हैं। पाँचवें नंबर पर पोस्ट है नैब कासद की, एक पोस्ट है मैट्रिक, इसके लिए रिक्वायरमेंट है 35 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद छठे नंबर पर ड्राइवर की पोस्ट है, मिडिल इसके लिए एजुकेशन मांगी गई है, मिडिल एजुकेशन के साथ 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 3 साल ईयर ऑफ LTV का लाइसेंस होना चाहिए। तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए तरीकाकार क्या है, आप लोगों ने एक एप्लीकेशन लिखनी है, एप्लीकेशन आप लोगों ने एक प्लेन पेपर पे एप्लीकेशन लिखनी है। जिस पोस्ट पे आप लोगों ने अप्लाई करना है वो पोस्ट का नाम लिखना है, अपना नाम, फादर नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, ID कार्ड, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आपके पास अगर कोई है, अपना एड्रेस, पोस्टल एड्रेस विद टेलीफोन नंबर आप लोगों ने साथ अटैच करना है, अपना एक फोटोग्राफ इसके राइट कॉर्नर पर अटैचमेंट, अटेस्टेड कॉपी ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, आप लोगों ने जितने भी डॉक्यूमेंट साथ करने हैं वो अटेस्टेड करवाने के बाद इसके साथ अटैच करने हैं। और ये एप्लीकेशन के साथ लिखने के बाद आप लोगों ने ये तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं, ये एड्रेस नीचे दिया गया है, मोहम्मद यूसुफ लेगारी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर SR 100 लोकस न्यू मुगलपुरा लाहौर, एप्लीकेशन के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स और ज़रूरी डॉक्यूमेंट और अटैचमेंट ID कार्ड, CNSC और फोटोग्राफ, ये सब कुछ आपने अटैच करने के बाद ये जो एड्रेस नीचे दिया गया है, मोहम्मद यूसुफ लेगारी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर SR 100 लोकस न्यू मुगलपुरा लाहौर, इस एड्रेस पर आप लोगों ने सेंड कर देने। आप लोग 25 मई तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 25 मई से पहले पहले आप लोग अपनी एप्लीकेशन जिस पोस्ट पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, करना चाहते हैं, उस पोस्ट पर आप अपना नाम, ID कार्ड, अपना डाटा फिल करने के बाद एड्रेस पर सेंड कर दें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक की इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।